बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियास किचन। आज हम बना रहे हैं कैरी का अचार। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मैंने ये तकरीबन 2 से 2.5 किलो कच्चे आम है, कैरी है, इसमें से हाफ का मैं अचार बनाऊंगी, जो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। कैरी को अच्छी तरह धो लें आप और इसको अच्छी तरह सुखाना है, ये गीली ना हो जब हम कटिंग करेंगे, ये अच्छी तरह से बिल्कुल खुश्क हो। ये देखें, कैरी की मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, नमक मैं इसमें 3 टेबलस्पून ऐड करूंगी। अब इसमें लाल मिर्ची ऐड करेंगे, ये आप अभी कम ही मसाला ऐड करें, क्योंकि बाद में अगर ये कम हो जाए तो हम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हल्दी ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम रख देंगे और तकरीबन 2-3 दिन तक इसको ऐसे ही रखेंगे ताकि इसका अच्छी तरह पानी निकल आए आमों का। और फिर इसके बाद हम रोज़ इसका हमने चम्मच हिलाना है और फिर उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखें, अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको रख दूंगी और तकरीबन 24 घंटे के बाद ही इसको चेक करेंगे। इसको ढक के रखना है आपने किसी भी कपड़े के साथ, साफ़ कपड़ा हो। और ये ध्यान रखें कि इसमें गीला चम्मच नहीं मारना, अगर गीला चम्मच मारेंगे तो उससे अचार ख़राब हो जाएगा। ये देखें, इस तरह मैंने इसको पूरी तरीके से कवर कर लिया है और इसको हम ऐसे ही रख देंगे और उसके बाद हम अगले दिन जाके चेक करेंगे कि अचार की क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन, ये देखें, 24 घंटे गुजर गए हैं और ये आम ने पानी छोड़ दिया था, ये आप नीचे देख सकते हैं, इसका पानी भी है। और अब मैं इसमें ये गाजरें अच्छी तरह मैंने धो ली थी और इनको छील के साफ़ कर लिया है और इसकी कटिंग कर दी है। ये हमने इस तरह लंबी लंबी कटिंग कर दी है और इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें अचार के मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, अचार में डालने के लिए मैंने ये मसाले लिए हैं। इसमें 20 ग्राम ये सौंफ है, ये मेथरे है, ये भी 20 ग्राम है, कलवंजी ये 15 ग्राम है, ज़ीरा 15 ग्राम है, और ये अजवाइन है, अजवाइन 10 ग्राम है, और ये बारीक राई है, ये भी 20 ग्राम है। अब हम कलवंजी हम ऐसे ही डालेंगे, साबुत डालेंगे, और बाकी जो मसाले हैं जैसे जिसमें अजवाइन है, ये राई है, ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा है, सौंफ है, और ये मेथरे, इसमें से हम आधे आधे मसाले जो हैं वो मोटा मोटा पीस लेंगे और आधा मसाला जो है वो साबुत ही डालेंगे। मैं इन मसालों को पीस लेती हूँ। देखें, ये इसमें मैं आधे आधे मसाले डाल रही हूँ, आधे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। राई को हमने ऐसे ही रहने देना है, इसको हमने पीसना नहीं है। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। देखिए, मोटा मोटा मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं करना, इसको ऐसे ही मोटा मोटा पीस लेना है। अब मैं इन सब मसालों को अचार में ऐड करती हूँ। ये पहले मैं जो साबुत मसाले हमने छोड़े हैं पहले वो ऐड करती हूँ। राई डाली है, कलवंजी डाली है,
इसमें ज़ीरा ऐड किया है, ये अजवाइन ऐड कर ली, ये सौंफ ऐड कर ली, ये साबुत मेथी ऐड कर लिए। अब मैं इसमें ये पिसा हुआ मसाला भी ऐड कर लूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसका मसाला बिल्कुल एक जैसा बराबर हो जाए। ये देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये देखिए मैंने लहसुन लिया है, ये इसमें से आधा जो है वो मैं पीस लूँगी और आधे को हम ऐसे ही साबुत इसमें डालेंगे। ये देखिए मैंने ये लहसुन पीस लिया है, इसको मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ये मोटा मोटा पीसा है, इसको मैं ऐड कर लूँगी और ये बाकी का लहसुन भी हम इसमें ऐड करके इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है, उसको भी मैंने चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए। अभी इसको हम पहले इतनी देर में हम मिक्स कर लेते हैं ताकि ये लहसुन आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, मिक्स करके देखें, अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसमें और भी सब्ज़ियाँ वगैरह ऐड कर सकते हैं, नींबू ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं फ़िलहाल इन तीन चीज़ों का ही बनाऊँगी अचार, ये आम और गाजर और लहसुन का। ये देखें ये मैंने एक लीटर ऑयल लिया है, इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए और इसका हम गर्म करके इसको ठंडा करके फिर हम इसको अचार में ऐड करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने का इसका वेट करेंगे हम। जितनी देर में ऑयल ठंडा होता है मैं अचार को किसी खुले बर्तन में डाल लेती हूँ ताकि इसमें जब ऑयल डालें तो हम इसको आराम से मिक्स कर सकें। इसका सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे। तेल ठंडा हो गया है, अब मैं इसको अचार में डालूंगी। थोड़ा सा मैं छोड़ दिया है, पहले मिक्स करके देखेंगे इसको, अगर ये अचार इसमें डिप हो जाता है फिर हमें और डालने की ज़रूरत नहीं है। हम सारे ही डाल देंगे। ये आम थे, तकरीबन एक किलो आम थे जो मैंने इसमें डाले हैं।
और गाजरे हैं और साथ लहसुन है थोड़ा सा, ये अंदाजे से ये मैंने ली है। और इसको अभी हम मिक्स करके और धूप में रख देंगे, इसको 2-3 दिन तक धूप में रखेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी अभी धड़ा मिर्च भी ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून मैंने धड़ा मिर्च ऐड कर लिए और हाफ टेबल स्पून मैंने नमक भी ऐड कर दिया इसमें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं धूप में रखूंगी और इसके बाद इसको अभी भी आप किसी इसको जार में डाल सकते हैं और धूप लगवाने के बाद भी आप इसको जार में डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये हमारा ट्रेडिशनल अचार है जो मेरी अम्मी बनाती थी, मेरी अम्मी ने अपनी अम्मी से सीखा और ये माशाल्लाह अब तक चलता आ रहा है ये ट्रेंड हमारा। आप भी इसको ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, यकीनन आपको पसंद आएगा। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। आपने इसको धूप में रखने से पहले किसी मलमल के कपड़े से या साफ़ी के साथ इस तरह कवर कर लेना है ना, कवर कर लेना है ताकि कोई कीड़ा वगैरह या कोई डस्ट वगैरह इसमें ना जाए। और ध्यान रखें कि इसको आपने 3 दिन तक या तकरीबन 1 हफ़्ता भी लग सकता है उसको पकने में, और इसको आपने धूप में रखना है रेगुलर और रात को इसको आपने अंदर कर लेना है, बाहर नहीं रहने देना। और इसमें आपने हमेशा जब भी चम्मच से इसको हिलाना है तो गीला चम्मच आपने यूज़ नहीं करना, गीला चम्मच यूज़ करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा आपका अचार, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।